Hi friends, welcome to Healthy Cooking, Happy Living. If you really like today's video, please subscribe to the channel. Hit the notification bell for further updates of new videos. Like, comment and share. तो आज का रेसिपी है बंगाली का गोट करी और कोची पाठा झोल. कोची पाठा इज यंग गोट करी और झोल बोलते हैं हम बंगाली पतला जो थिन कड़ी होते हैं उसको. तो ये संडे आफ्टरनून का डेलिकेसी है. आप इंग्रेडिएंट्स सभी देख सकते हो. मैं सारा इंग्रेडिएंट्स का जो क्वांटिटी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगी. तो अभी मैं गरम कर सरसों का तेल, ये हमेशा सरसों का तेल पे ही बनाया जाता है. फिर मैं आलू फ्राई कर लूँगी. एक बड़े आलू को मैंने दो पीसेस पे काट कर लिया. बंगाली जो गोटकारी होते हैं उस पे आलू बहुत ही एसेंशियल है. अब मैं होल गरम मसाला डाल रही हूँ एस टेम्परिंग. तो ये थोड़ा फ्राई करना पड़ेगा 4 to 5 minutes. ये सांडे दोपहर का बहुत ही अच्छा रेसिपी है. अब मैंने ऑनियन पेस्ट डाल दिया. ये थोड़ा पतला होते हैं लेकिन बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं, क्योंकि गोट तो अपना ऑयल तो छोड़ते ही है. अभी मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट भी डाल दिया. तो गोट का अपना ऑयल, घी और मस्टर्ड ऑयल और सरसों का तेल तीनों मिला के बहुत ही ऑसम हेवनली टेस्ट देते हैं. अभी मैंने बहुत ही यंग गोट डाल दिया, जैसे बहुत ही बच्चा एज का गोट जो कोची पाठा बोलते हैं उसको मैंने डाल दिया. इसको गर्म पानी से मैंने वॉश कर लिए थे बहुत अच्छा करके. आपको बहुत ज़्यादा अच्छा क्वालिटी का गोट मीट मिलेगा तो आपको प्रेशर कुक भी नहीं करना पड़ेगा. अभी मैं डाल दूंगी टोमेटो पेस्ट. सब कुछ बहुत अच्छा करके मिला लूंगी और इसको मीडियम फ्लेम पे जैसे 15 से 20 मिनट बहुत अच्छा करके फ्राई करना है. जैसे भून भून के बनाना है, फ्राई नहीं भूनना है. जैसे ऐसे कंटिन्यूसली स्टार करके ऐसे फ्राई करना है. आज मैंने जो चार रेसिपी दिखाया वो बंगाली डेलिकेसी है. जैसे फेस्टिवल के दिन पे, दुर्गा पूजा पे हम लोग खाते हैं. हर फैमिलीज का अलग अलग रूल होते हैं. अभी मैंने धनिया का पाउडर डाल दिया. कोई दुर्गा पूजा पे पूरा वेजिटेरियन खाते हैं, कोई नॉन वेज खाते हैं. अभी मैंने डाल दिया टर्मरिक पाउडर और हल्दी का पाउडर. अभी गरम मसाला पाउडर भी डाल दिया. कोई कोई घरों पे जैसे 5 दिन का पूजा में 2 दिन वेज खाते हैं, 3 दिन नॉन वेज, या ऐसे करके होते हैं. और ये आप नॉर्मल डेज पे भी खा सकते हो, संडे को भी खा सकते हो. अभी देखिए मैंने पूरा भून रही हूँ. अभी मैंने नमक डाल दिया, थोड़ा चीनी डाल दिया. चीनी इज टोटली ऑप्शनल. आप शुगर डाल भी सकते हो, नहीं भी डाल सकते हो. अभी मैंने अच्छा करके मिक्स करके 15 मिनट कुक करूँगी मीडियम फ्लेम पे. 15 मिनट बाद मैंने इसको ट्रांसफ़र कर लिया एक प्रेशर कुकर पे. अभी मैं और थोड़ा गरम मसाला पाउडर डाल दूंगी, अच्छा करके मिक्स कर लूंगी. अभी मैंने घी और एक ग्रीन चिली डाल दिया, ऊपर से थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल डाल दिया. मैं अभी प्रेशर कुकर पे 2 सीटी लगा लिया. आप देख सकते हो मेरा कोची पाठा का झोल और यंग गोट करी इज रेडी टू सर्व विथ राइस. अभी आप देख रहे हैं कोचू पाता वाटा चिंगरी. वो श्रिम्प है, अरबी का जो पत्ता होते हैं मैंने छोटा छोटा करके काट लिया. इसका भी सारे इंग्रेडिएंट्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगी. इस पे मस्टर्ड, पॉपी सीड और खसखस, नारियल, टर्मरिक पाउडर, मस्टर्ड पाउडर और सॉल्ट लगता है. तो मैंने क्या किया, अरबी के पत्ते को 2 सीटी देके फिर मैंने श्रिम्प को फ्राई करके एक साइड पे रख लिया. अभी मैं अरबी का पत्ते से सारा पानी निकल के, जैसे छन्नी में रख के पानी निकल के तेल पे दे दूंगी और फिर दे दूंगी टर्मरिक पाउडर. अरबी का पत्ता विनीगर के साथ 2 सीटी लगा लीजिएगा. अभी मैंने सॉल्ट भी दे दिया इस पे,
तो आपको गला नहीं जलेगा फिर। इसको कोचू पाता बोलते हैं बंगाली में। अभी ये कुक हो गया, 10 मिनट कुक कीजिएगा। वैसे ही ये कुक्ड है, बॉइल्ड है। तेल पे नमक और टर्मरिक पाउडर देके कुक करके अभी मैंने श्रिम्प और ग्रेटेड कोकोनट जो होते हैं, जो ग्रेटेड नारियल, वो मैंने डाल दिया। ये भी राइस के साथ खाने पे बहुत ही अच्छे होते हैं, बंगाली डेलिकेसी है। बंगाली रेस्टोरेंट्स पे ये मिलते हैं, हाई एंड जो बड़ा बड़ा रेस्टोरेंट पे बहुत अच्छे होते हैं। और इस पे आप जितना भी मस्टर्ड ऑयल डालो वो उतना ही अच्छा लगता है। अभी मैंने मस्टर्ड ऑयल डाल दिया इस पे, सरसों का तेल। फिर मैं हल्दी पाउडर डाल दूँगी। इस पे हम चीनी नहीं डालते हैं, पहले ही नमक डाल दिए थे। और इसको निचोड़ना मत, तो इसका जूसीनेस चला जाएगा। अब पत्ता को विनीगर से 2 सीटी लगा के, जैसे छन्नी पे छान के, आप पानी निकाल के फिर कुक करना। एक बार तो आप ज़रूर ट्राई करो, आप बंगाली हो या नॉन बंगाली हो, डजंट मैटर, एक बार ज़रूर ट्राई करो, ये बहुत ही अच्छा होते हैं। अभी मैंने मस्टर्ड पेस्ट डाल दिया इस पे। ये रेसिपी का भी सारा लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूँगी, सॉरी सारा जो क्वांटिटी है मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। मस्टर्ड पेस्ट मैंने डाल दिया, थोड़ा पतला करके बनाया मस्टर्ड पेस्ट। वो मस्टर्ड, ब्लैक मस्टर्ड लिए थे, उस पे टर्मरिक पाउडर, सॉल्ट और मैंने एक ग्रीन चिली देके पेस्ट कर लिया, फिर छान लिया उसको। अभी ये बन गया। इसके ऊपर थोड़ा सा और ग्रेटेड कोकोनट गार्निश करके इसको राइस के साथ, स्टीम्ड राइस के साथ आप सर्व करो दोपहर पे। अभी तीसरा रेसिपी है, इसको बोलते हैं माछेर पाटी शाप्टा, मतलब फिश का, मछली का क्रेप। इसके लिए मैंने रोहू फिश लिया और मैदा, सूजी, टर्मरिक पाउडर, अंडा और नमक, ग्रीन चिली और पानी लिया। इसका भी सारा जो क्वांटिटी है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डाल दूंगी। तो ये रोहू या कतला, भेटकी, बासा, हर फिश से होता है। आप कोई फिश फिले भी ले सकते हो बोनलेस, मैंने 5 लिए थे। उसको नमक हल्दी लगा के मैं थोड़ा शैलो फ्राई कर लूँगी, डीप फ्राई बिल्कुल मत करना, जैसे 5 मिनट फ्राई कर लेना लो हीट पे। अभी एक मिक्सिंग बोल पे मैं मैदा और सूजी डाल लूँगी, उसके ऊपर मैं पानी डाल के उसको भिगो के रखूँगी मिनिमम 1 घंटा। ये बहुत अच्छे होते हैं, ये बहुत अच्छा स्टार्टर है। ऐसे पाटी शाप्टा एक बंगाली डेजर्ट है और ये है बहुत बिना चीनी के, ये सॉल्टेड पाटी शाप्टा है। जैसे ये नॉनवेज है, पाटी शाप्टा होते हैं डेजर्ट, मीठा आइटम। ये फिश का पाटी शाप्टा है, जैसे मछली का पाटी शाप्टा। ये बहुत ही अच्छा होता है फेस्टिव सीजन के लिए। और गरम गरम इसको सर्व करना होता है। घर पे कोई आए, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो गरम गरम इसको सर्व करना। आपने देखा मैंने बहुत ही कम पानी डाला और इसमें मैंने हल्दी और नमक डाल दिया और अच्छा करके मैं फेंट लूँगी। फेंट के मैं इसको कवर करके 1 घंटा रख दूँगी। ये भी ट्रेडिशनल बट नया आइटम है। जैसे कोई कोई ट्रेडिशनल रेसिपी होते हैं ना, सब भूल जाते हैं, ये भी मेरे नानी का स्पेशलिटी है। जैसे पहले का वो अरबी का पत्ते का होता है, ये सब रेस्टोरेंट पे अभी मिलता है, बंगालीज घर पे कम ही बनता है। लेकिन मैं लेके आई सब लोगों के लिए कि आप लोग बनाओ और खाओ। ये बंगाली ट्रेडिशनल रेसिपी है, डेलिकेसी है हमारा। और फेस्टिव सीजन पे हम बाहर जितना भी खाए, एक दिन आपका बेटी घर पे आए या अपने बच्चों के लिए और अपना हस्बैंड के लिए, फैमिली के लिए, भाई बहन के लिए, आपको तो एक दिन मन तो करेगा ही कि कुछ बना के खिलाओ। या विजयादशमी पे आते हैं घर पे मेहमान, रिलेटिव्स, तभी भी ऐसे कोई ट्रेडिशनल, पर ये नया स्टार्टर है, ये बना के खिलाओ तो बहुत ही अच्छा लगता है। अभी मैंने अच्छा करके बीट कर लिया इसको, अभी मैं इसको ढक के रख दूंगी। ये 4 रेसिपी मैं लेके आई, 4 तरह की बंगाली नॉनवेज आइटम है। आप कमेंट करके लिखना कौन सा आपको अच्छा लगा, कौन सा आप ट्राई करने वाले हो। अगर आप ट्राई करो तो भी मुझे लिखना कि कैसे लगा आपको। अभी मैं इसको ढक के रख दूंगी।
ये इवनिंग स्टार्टर पे बहुत ही अच्छे होते हैं। मैंने तो एक बड़ा करके बना लिया, उससे मैंने लंच भी कर लिया। अभी मैं फ्राई कर रही हूँ फिश को, रोहू फिश को, नमक हल्दी से और नींबू का रस से मैरिनेट कर लिया था। अभी तेल गरम करके फ्राई कर रही हूँ। अब फिश, कोई भी फिश फ्राई करो उस पर थोड़ा तेल लगा के फिर फ्राई करो तो फटेगा नहीं और जैसे आपके ऊपर छींटे नहीं आएगा तेल का। अभी ये फिश को फ्राई करके साइड पे रख दीजिएगा, ठंडा होने से डीबोन कर लीजिएगा। अभी प्याज, अदरक, लहसुन मैंने छोटा छोटा करके कट लिया, उसके साथ गरम मसाला पाउडर और सॉल्ट भी रख दिया। गरम मसाला पाउडर क्या करता है, फिश का जो फिशी स्मेल है वो मार देते हैं, वो नहीं रहता। फिर मैं तेल गरम करके प्याज, अदरक और लहसुन छोटा छोटा करके जो काट लिया था वो मैं तेल पे डाल के फ्राई कर लूँगी। ये फिश मैंने ज़्यादा नहीं फ्राई किया, ज़्यादा फ्राई करने से तो फ्लेश बहुत हार्ड हो जाता है फिश का। अभी फ्राई कर लूँगी प्याज, अदरक और लहसुन। फ्राई करके फिर मैंने हाथ से जो कांटा निकल के फिश से रख दिए थे वो फिश में डाल दूँगी और मैं किशमिश भी डालूँगी इस पर। आप बॉयल्ड आलू भी डाल सकते हो अगर आपको लगे कि ज़्यादा ड्राई ड्राई हो गया और ज़्यादा पाउडरी हो गया, जैसे कोई बॉन्डिंग नहीं आया, तो आलू बाइंडिंग एजेंट है बहुत अच्छा, वो भी आप बॉयल्ड आलू भी डाल सकते हो। तब थोड़ा ज़्यादा नमक भी डालना पड़ेगा आलू के लिए। तो मैंने ये थोड़ा डायबिटिक फ्रेंडली बनाया। अभी आपने देखा ये सब फ्राई हो गया और वॉल्यूम रिड्यूस हो गया। अभी मैंने फिश डाल दूंगी। देखिए पूरा फिश से मैंने पूरा कांटा निकल के रख दिया और फिश का जो तेल होता है, बाहर का जो छिलका होता है, वो भी फेंकना पड़ेगा। ये थोड़ा टीडियस जॉब है, पर टीडियस है फिर भी, मतलब आप बनाओ तो बहुत यम्मी होते हैं खाने पे, और बच्चों को भी खिला सकते हो। आजकल का बच्चा, सारे नहीं, कोई कोई जैसे चिकन खाते हैं या नॉन वेज खाएंगे, लेकिन फिश नहीं खाएंगे, वेजिटेबल्स नहीं खाएंगे। माँ बाप भी ऐसे क्या करें, तो अब बच्चों को भी ऐसे क्रेप बना के, फिश का पाटी शाप्टा बना के खिला सकते हैं। अभी मैंने नमक और गरम मसाला पाउडर भी डाल दिया। अच्छा करके मैं कुक करूँगी। कुक करने के बाद नरम करने के लिए थोड़ा सा गर्म पानी 2 टेबल स्पून जैसा मैं डाल दूँगी। इसका सारा क्वांटिटी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डाल दूंगी, आपको मिल जाएगा। ये फेस्टिव सीजन पे, दुर्गा पूजा पे आप जरूर ट्राई करना। अगर आप वेजिटेरियन हो तो आप नहीं ट्राई कर सकते हो, और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो फिर भी दुर्गा पूजा पे आप वेज खाते हो तो उसके बाद आप ज़रूर ट्राई करना। और घर पे कोई मेहमान आए ये बना के खिलाओ तो बहुत अच्छा लगता है। अभी मैं इसको ढक दूंगी, थोड़ा सा पानी दिया 2 टेबल स्पून, और 5 मिनट मैं लो मीडियम फ्लेम पे कुक कर लूँगी। 5 मिनट बाद आप देख सकते हो ये सॉफ्ट हो गया, बहुत ही सॉफ्ट हो गया, बहुत मशी हो गया। ठंडा होने के बाद आप हाथ से भी थोड़ा मैश कर सकते हो अगर आपको और थोड़ा मशी चाहिए। मैं जैसे बहुत बार ये बनाती हूँ तो मेरा प्रैक्टिस हो गया। ऐसे जो स्टफिंग है इससे मैं क्रेप बना के उठा लेती हूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होता। अभी मैंने डाल दिया धनिया की पत्ता छोटा छोटा करके कट के और मिक्स कर लूँगी। इस पे आप चाहो तो कैप्सिकम डाल सकते हो, बेल पेपर्स और नींबू की रस डाल सकते हो, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मैंने रेजिन्स जो किशमिश होता है वो और धनिया की पत्ता डाल दिया। फिर अच्छा करके मिक्स करके मैं एक बर्तन पे, एक कटोरी पे इसको उठा के थोड़ा रूम टेम्परेचर पे 10-15 मिनट रखूँगी तो थोड़ा ठंडा हो जाएगा। फिर मैं क्रेप बनाना स्टार्ट कर दूँगी। अभी मैंने वो मैदा और सूजी, टर्मरिक पाउडर और सॉल्ट का जो बैटर है उस पे अंडा और क्रश्ड ग्रीन चिली या चॉप्ड ग्रीन चिली, जो भी आप बोलो, वो मैं डाल दूँगी।
अंडा डालने से ये आपका जो क्रेप है जो बाहर का है उसका टेस्ट बहुत बढ़ जाएगा और उसको एक जैसे ऑमलेट जैसा टेक्सचर भी आ जाएगा। तो सोचो कितना अच्छा लगता है बाहर अंडे का टेस्ट और अंदर वो फिश का टेस्ट। फिश बहुत अच्छा करके आपको पकाना है कि स्मेल ना आए। ऐसे फिश का स्टफिंग आप कचौड़ी बना सकते हो, सैंडविच बना सकते हो, पराठा बना सकते हो, उस पर बॉयल्ड आलू डाल के उसको मैश करके फिर अंडे पे डाल के ब्रेड क्रम्स डाल के आप फिश का चॉप भी बना सकते हो। थोड़ा पानी मैंने डाल दिया, थोड़ा सा डालना है, जैसे 1/4 कप का भी बहुत ही कम, 1/2 कप आप डालना पानी और इसको बहुत अच्छा करके फेंटना है। अभी मैं तवा गरम कर लूँगी। जो तवा मैं हीट करूँगी वो मेरा डोसा तवा है। इसके ऊपर जैसे 1.5 स्पैटूला, छोटा स्पैटूला है मेरा, उसका मैंने 1 लेके फिर 1/2 लूँगी और गोल करके डालूँगी, क्योंकि क्रेप लंबा होता है तो हम लोग गोल करके डालते हैं। ये है हमारा माछेर पाटी शप्टा, फिश का जो पाटी शप्टा है, क्रेप है उसका बाहर का सरफेस। कंसिस्टेंसी आपने देखा, आपने आप ज़रूर चेक कर लेना डिस्क्रिप्शन बॉक्स, क्योंकि ये ऐसे ही कंसिस्टेंसी होना चाहिए। फिर इसको ऐसे फैला लूँगी, ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा मोटा, और 4 साइड से इसके ऊपर साइड से मैं डाल दूँगी कोई भी ऑयल। आप मस्टर्ड ऑयल मत दीजिएगा, कोई पतला ऑयल, वाइट ऑयल, वेजिटेबल ऑयल हो, ऑलिव ऑयल हो, आप डाल देना। इससे आपको इसको फोल्ड करके उठाने में बहुत ही आसानी होगा। मैं इसको लो मीडियम पे बना रही हूँ, ये बन जाए फिर मीडियम फ्लेम करके मैं 2 मिनट और पका लूँगी, क्योंकि हाई हीट करेंगे तो पूरा नहीं पकेगा, नीचे से जल जाएगा ऊपर कच्चा रह जाएगा। बहुत आहिस्ता आहिस्ता पेशेंस रख के इसको पकाना है। अभी मैं और एक बना रही हूँ सेम प्रोसेस पे, आप इसको उठा के मैं दिखाऊंगी आपको। अगर आप एक बड़ा वाला बना लीजिएगा तो आपका पूरा लंच हो जाएगा, इसके साथ थोड़ा सैलड ले लीजिएगा, थोड़ा डिफरेंट टाइप का लंच। और ये लंच बॉक्स रेसिपी भी अच्छा है क्योंकि बाहर सॉफ्ट होता है, पका हुआ पर सॉफ्ट, और स्टार्टर तो ऑसम है, मैंने बोल ही दिया। तो ऑयल भी दे दिया साइड से और इसका स्टफिंग तो पका हुआ है ही। अभी इसको मैं फोल्ड करके उठा लूँगी, उससे पहले थोड़ा ढक्कन लगा दीजिएगा, ढक्कन लगा के 30 सेकेंड कुक कर लीजिएगा, फिर इसको फोल्ड करके उठाना होगा। थोड़ा सा और ऑयल डाल के मैं इसको फोल्ड कर लूँगी, बहुत आहिस्ता बहुत जेंटली। देखिए मैंने अभी फोल्ड कर रही हूँ, फोल्ड करने से आपको मालूम पड़ेगा ये पाटी शप्टा का शेप होते हैं। इसके अंदर आप जैसे और थोड़ा ग्रीन चिली, धनिया के पत्ता, कटा हुआ कैप्सिकम आप डाल सकते हो। मैंने देसी ट्रेडिशनल टाइप का इसको बनाया, जो ओरिजिनली होते हैं हमारा नानी जैसे बनाते हैं। अभी आप देख रहे हो कितना अच्छा दिख रहा है, टोमेटो सॉस के साथ मैंने सर्व किया, आप वैसे भी खा सकते हो इसको, ये बहुत ही यम्मी होते हैं, इसका टेक्सचर भी बहुत अच्छा होता है। अभी 4th रेसिपी है कातला माछेर रोशा, जैसे कातला और रोहू फिश का रसा, रसा बोलते हैं तो सेमी थिक ग्रेवी होते हैं। इस पे फूल गोभी और आलू भी डालते हैं, तो बड़ा बड़ा कातला फिश चाहिए। ये छोटा फिश या फिलेट से नहीं होता है, फिश फिले से तो बिल्कुल नहीं होगा। इसके लिए आलू और फूल गोभी ले लिया, सभी चीज़ों को मैंने टर्मरिक पाउडर और सॉल्ट से मैरिनेट कर लिया। इस पे भी मस्टर्ड ऑयल चाहिए क्योंकि ये ट्रेडिशनल रेसिपी है। टोमेटो, अदरक और स्पाइसेस चाहिए, तो मैंने इसका भी सारा क्वांटिटी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डाल दूंगी। अब फूल गोभी को हमेशा आधा घंटा गुनगुना गर्म पानी पे हल्दी पाउडर और नमक डाल के भिगो लीजिएगा, फिर वॉश करके यूज़ कीजिएगा।
क्योंकि फूल गोभी पे छोटा छोटा कीड़ा होते हैं, कीड़े मकोड़े जो हमको दिखते नहीं हैं। हल्दी तो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं और नमक मार देते हैं कीड़ों को। तो अभी मैंने कढ़ाई गरम कर लिया। कढ़ाई गरम करके मैं फ्राई कर लूँगी। पहले फिश फ्राई करके मैं उठा लूँगी, फिर मैं आलू और फूल गोभी फ्राई कर लूँगी। अभी मैंने डाल दिया मस्टर्ड ऑयल। सरसों का तेल डालने के बाद मैं टेम्परिंग डालूँगी। ये फिश को फ्राई करके मैंने उठा लिया था पहले ही, ये मैंने दिखाया नहीं क्योंकि नॉर्मली जैसे नमक और हल्दी से फिश को फ्राई करके मैंने उठा लिया। अभी मैं ज़ीरा, ग्रीन चिली, दालचीनी और जो सारे टेम्परिंग होते हैं वो मैं डाल दूँगी। इस पे रेड चिली पाउडर या आप लाल जो मिर्च होते हैं आप डाल सकते हो, लेकिन मैंने नहीं डाला। फिर भी ये बहुत ही टेस्टी होते हैं। अभी मैंने कसा हुआ अदरक जो होती है, ग्रेटेड जिंजर, वो मैंने डाल दिया। इसका भी सारा क्वांटिटी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आप चेक कर लेना। अभी इसको मैं मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 मिनट फ्राई कर लूँगी। अभी आप देख रहे हैं ये तेल छोड़ दिया, तो मैंने मैरिनेटेड आलू और फूल गोभी डाल दूंगी। डाल के बहुत अच्छा करके मीडियम फ्लेम पे 10 से 12 मिनट मैं पकाऊंगी, बहुत अच्छा करके स्टार करके। ये रसा भी बहुत अच्छा होते हैं, आलू फूल गोभी का रसा, कातला फिश का, हम लोग कातला माछे रोशा बोलते हैं फूल गोभी दिए, तो ये भी बहुत अच्छा होते हैं खाने में। ये भी एक बार ज़रूर ट्राई करना। ये फेस्टिव रेसिपी भी है और एवरीडे रेसिपी भी है। तो इसको अच्छा करके भूनना है कि सब्जी अच्छा करके पक जाए। तो सब्जी पकाने के बाद गरम पानी डाल दूंगी। इन द मीन टाइम मैं सब्जी को साइड करके एक साइड पे नमक डाल दूंगी और टोमेटो, चॉप टोमेटो, गरम मसाला पाउडर, धनिया पाउडर, ये सब भी डाल के फिर मैं पकाऊंगी। और थोड़ा 5 to 6 मिनट्स मैं अच्छा करके मीडियम फ्लेम पे पकाऊंगी। इसको अच्छा करके पका के फिर गरम पानी डाल देना। ऐसे फिश पे या नॉन वेज आइटम, कोई भी वेज आइटम, कोई भी चीज़ पे आप गरम पानी डालो तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो ये पूरा सूखा सूखा करके फ्राई हो जाए, फिर मैं गरम पानी डाल दूंगी। बहुत ज़्यादा नहीं क्योंकि ये थोड़ा गाढ़ा होता है, काढ़ी, लिक्विड भी नहीं, ड्राई भी नहीं, गाढ़ा होता है। जैसे फिश, फूल गोभी, आलू, इसके फुल साइड पे चारों तरफ ये लगे रहते हैं, ऐसे काढ़ी है, इसीलिए इसको रसा बोलते हैं। अभी मैंने इस पे गरम मसाला पाउडर भी डाल दिया, टोमेटो डाल दिया, नमक डाल दिया, ये सारा कुछ गल जाएगा। और ग्रीन चिली तो पहले ही डाले हुए थे। मसाला पक जाए फिर गरम पानी डाल के फिर मैं इसको अच्छा करके पकाऊंगी। देखिए ये ऐसे पक चुके हैं, फिर गरम पानी डाल दिया बॉयल होने के लिए। अभी मैं हाई हीट पे इसको पकाऊंगी। हाई हीट पे आप 5 मिनट्स इसको पकाना, तो गाढ़ा हो जाएगा। तो थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए फिर आप फ्राइड फिश इस पे ऐड कर देना। अभी देखिए ये थोड़ा गाढ़ा हो गया, अभी मैं इस पे फ्राइड फिश डाल दूंगी। ये फिश को अच्छा करके नमक हल्दी से मैंने फ्राई कर लिए थे, तो अभी वो फ्राइड बड़ा बड़ा कतला फिश डाल दूंगी। ये भी राइस के साथ, फ्राइड राइस के साथ बहुत अच्छा जाता है। और फिश डाल के बहुत ज़्यादा पकाना नहीं पड़ेगा, कम पकाने से भी चलेगा। इस पे नॉर्मल डे पे आप घी मत डालो, फेस्टिव सीजन पे आप ज़रूर घी डालो। अभी देखिए फिश भी पक गया, कितना अच्छा कलर आया। अभी मैं घी डाल दूंगी, देसी घी।
जैसे रसा हो, कालिया बोल के और एक आइटम है फिश का, इस पे हम घी डालते हैं। अभी मैं मिक्स कर लूँगी बहुत अच्छा करके, और फिर मैं एक कटोरी पे उठा के रख दूँगी। मिक्स करके 2-3 मिनट हाई हीट पे पकाना है, फिर आप एक कटोरी में उठा के रख दो। और अभी आप देख सकते हो कितना अच्छा चेहरा आया, ज़रूर एंजॉय करना इस डिश को। अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कीजिएगा प्लीज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे, बाय।